कहते हैं गुड मॉर्निंग वो गुड मॉर्निंग होती है जिसमें आप प्लांट शॉपिंग के लिए जाएं और एक मिनट गर्मी इतनी हो चुकी है और अभी शाम हो रही है। सीन ये है कि अभी नर्सरीज के हालात काफ़ी टाइट हैं। मैं अभी शॉपिंग करके आ रहा हूँ, अभी शाम हो रही है और कुछ न्यू प्लांट्स लेकर आया हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड थे, तो मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक न्यू प्लांट्स लेकर आया हूँ। तो अभी आप टूर करवाता हूँ आपको कि कौन सी नर्सरी में गया हूँ और मैं वहाँ की डिटेल्स भी आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ और क्या क्या वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो अभी मैं लेकर आया हूँ और आज के दिन की शॉपिंग यही है जो आप देख रहे हैं। कुछ कोलियर्स में ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, कोलियर्स की जो है वो कुछ वैराइटीज़ हैं। एक ये रेड में है, एक इसमें है और एक ये देख सकते हैं एक पॉट जो अगर आपको मैं दिखाऊँ इसका, तो ये पूरा पॉट जो है वो इस तरह से मौजूद है। इसके अभी हम कटिंग वगैरह करेंगे, प्रूनिंग वगैरह करेंगे और यहाँ से इसके जो है वो फ्लावर्स वगैरह जो है वो हम यहाँ से थोड़े से इसको क्लियर करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है स्पाइडर प्लांट, ये मुझे मिला है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं पूरा जो है ये प्लास्टिक पॉट है और ये बहुत ही अच्छा अलहमदिल्ला भरा हुआ पॉट है और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन पॉट यहाँ से जो है वो मुझे मिला है। और काफ़ी दिनों से मुझे इसकी तलाश थी लेकिन अभी सबर का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे पक्स वगैरह भी मौजूद हैं और इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ब्लूमिंग भी हो रही है, फ्लावर्स के यहाँ पर बर्ड्स वगैरह मौजूद हैं, तो बहुत ही अच्छे जो है वो प्लांट्स मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी आपको लेकर चलते हैं और टूर करवाते हैं नर्सरी का और वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स मौजूद हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो हम यहाँ आ चुके हैं और ये नर्सरी है हसन नर्सरी और इसके अंदर यहाँ पर पहले हम जा रहे हैं और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये इंडोर सेक्शन है। इंडोर्स के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर ज़्यादातर मेन मनी प्लांट को प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी नर्सरीज में आपको फ्रंट में मनी प्लांट ही देखने को मिलते हैं और यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे प्रोटॉन की काफ़ी वेराइटीज़ देखने को मिल रही हैं, तकरीबन चार पांच यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो छोटे पॉट्स के अंदर भी मौजूद हैं और बड़े पॉट्स के अंदर भी मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे और हेल्दी प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये वाला जो है मेरे पास छोटे में मौजूद है और बाकी भी यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ मौजूद रखी हुई हैं। तो आजकल क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और इंडोर्स का जो काम है वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी के अंदर, ख़ासतौर पर आजकल की जैसे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो लास्ट भी मैं जहाँ नर्सरी में गया था वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स की हालत इतनी अच्छी नहीं थी और कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट जो है वो प्लांट्स वही ड्रेसिना वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं और ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये मुझे एक नई चीज़ देखने को मिली है। डिफन की काफ़ी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, डिफन जो आप नॉर्मली देखते हैं उनसे बिल्कुल हट के थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटी है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही डिफरेंट पैटर्न हैं और बहुत अट्रैक्टिव है। छोटे में छोटे यहाँ से नीचे से पक्स निकल रहे हैं और 400 इनकी प्राइस है और उनके जो पैटर्न हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक हैं। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो है वो ड्रेसिना वगैरह और टिफन वगैरह और पाम वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ड्रेसिना मार्गिनाटा है, काफ़ी सारे इंडोर्स के यहाँ पर ये लेडी पाम वगैरह जो है वो यहाँ पर अलग अलग पाम की डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद हैं और ये क्रोटन वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ पाम्स वगैरह भी हैं, ये डिफरेंट जो है वो यहाँ पर वैराइटीज़ मौजूद हैं। डिफन की ये जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं ये भी वैराइटी मौजूद है और वहाँ पर आपको मैंने डिफरेंट वैराइटी भी दिखाई है उसकी, बहुत अच्छी और यूनिक है वो। यहाँ आगे चलते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। बड़े बड़े यहाँ पर पॉट्स मौजूद हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर पॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये क्रोटॉन की एक और वैरायटी है जो वहाँ नहीं रखी हुई, यहाँ रखी हुई है, थोड़ी सी ये 2-3 फीट ऊपर हाइट है इसकी। तो क्रोटॉन अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ पर रखे हुए हैं। ये डिफन के कुछ पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ मनी प्लांट की पूरी लाइन चल रही है। आगे देखते हैं कुछ न्यू रखा है या नहीं। रबर प्लांट यहाँ पर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हेल्दी लग रहा है यहाँ पर, ब्लैक प्रिंस यहाँ पर लग रहा है। बैम्बू पाम यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं, बैम्बू पाम अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये पॉट्स के अंदर काफ़ी इनकी हाइट अच्छी है, 6-7 फुट की है। शफलेरिया यहाँ पर रखे हुए हैं,
चकलेरे के छोटे पॉट्स हैं और बैम्बू के यहाँ पर काफ़ी अच्छे फार्म यहाँ पर रखे हुए हैं। ये गोल्डन वेल यहाँ पर रखी हुई है, बड़ा ही यूनिक सा कलर है, बहुत ही गोल्डन कलर में है, गोल्डन या ऑरेंज। सागो पाम वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, शफलेरिया की काफ़ी यहाँ पर क्वांटिटी मौजूद है। तो दो चार पॉट्स आप लेके एक पॉट के अंदर अगर रख देंगे तो वो भी अच्छा लुक देगा आपको। मनी प्लांट काफ़ी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ लेडी पाम वगैरह भी यहाँ पर रखे हुए हैं। डिफन के जो ये बड़े साइज़ के हैं उनकी थोड़ी सी हालत टाइट हुई है। ये यहाँ पर एरोहेड सिंगोनियम रखे हुए हैं, यहाँ पर ये फन की वैरायटी है। ये तीसरी चौथी नर्सरी है जहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। ये छोटे पॉट में हैं लेकिन अच्छे हैं, ना ज़्यादा हल्के हैं ना ज़्यादा बुश हैं, अच्छी क्वालिटी में हैं। अगर छोटे पॉट में अगर किसी को चाहिए तो ये अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर मौजूद हैं। नर्सरी अभी फ़िलहाल खाली हुई है इंडोर के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मॉन्स्टेरा के यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी बहुत अच्छी हाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉट भी बहुत बड़ा है और हाइट में भी ये बड़े अच्छे हैं। और भी यहाँ पर रबर प्लांट के साथ आगे दो चार और भी मॉन्स्टेरा हैं जो इस तरह से बड़े अच्छे और बिग लीव्स के साथ हैं, काफ़ी बड़े पत्ते हैं इनके। ये भी बिल्कुल फ्रेश है, ये देख सकते हैं बड़े शाइनी जो है वो यहाँ पर इसके लीव्स हैं, जो न्यू लीव्स होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। ये रबर प्लांट के कुछ हालात और आप चल रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन से बैम्बू पाम वगैरह रखे हुए हैं, एरोकेरी रखा हुआ है, तो बड़े पॉट्स यहाँ पर जो है वो रखे हुए हैं। और ये सेक्शन थोड़ा सा हल्का है, यहाँ पर कुछ कम प्लांट्स हैं, इसका लीव चेक करें बहुत ही अट्रैक्टिव है। बुशी नहीं है इतने लेकिन हाइट में जो है वो अगर आप रखना चाहते हैं तो हाइट में अच्छा है। ये सेक्शन अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। बोगनवेली का एक पॉट रखा हुआ है यहाँ पे, ये पोर्शन वैसे अमूमन भरा हुआ होता है लेकिन अभी क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन है। अभी यहाँ पर इंडोर के प्लांट्स काफ़ी सारे रखे हुए होते थे। ये बोनसाई यहाँ पर एक मौजूद है, बहुत बड़ा बोनसाई यहाँ पर मौजूद है, और ये कलंचो वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं कप वगैरह के अंदर, डिस्पोजेबल कप वगैरह के अंदर यहाँ पर पड़े हुए हैं कलंचो। यहाँ पर भी बिल्कुल अभी कुछ पॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं, पाम वगैरह के यहाँ पर पॉट्स हैं, और ये कुछ इस तरह से बैग्स के अंदर जो है वो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इनका, समझ लें पूरा दरख्त ही है, रेडी है, बस यहाँ से लें और आप जाके लगा दें। यहाँ पर कुछ आउटडोर का सेक्शन, इस तरह का जो प्लांट्स हैं जो आउटडोर इंडोर दोनों के अंदर जो है वो चल जाएँ, ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं। एक बड़े मज़े की चीज़ यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये आप चेक करें बस, ये पाइनएप्पल, यहाँ पर पाइनएप्पल का प्लांट मौजूद है और बहुत ही अच्छा, और इसके ऊपर पाइनएप्पल लगा हुआ भी है, बहुत खूबसूरत है। 1000 रुपीज़ का ये मुझे बताया गया। दो तीन प्लांट यहाँ पर रखे हुए हैं ये पाइनएप्पल के। कुछ ये पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पर, फ्लावरिंग हो रही है इनकी, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ पाम लगे हुए हैं यहाँ पर, मुझे कुछ अभी यहाँ के एरो हेड वगैरह रखे हुए हैं, कुछ इस तरह के पॉट्स मुझे देखने को मिल नहीं रहे जो कि मैं आपको प्राइस वगैरह बताऊँ, क्योंकि ये अभी तक जो बस मुझे ये पाइनएप्पल और जो वहाँ पर टिफिन रखा हुआ था वही थोड़ा सा मुझे यहाँ पर यूनिक लगे, और क्रोटॉन की यहाँ पर कुछ वैरायटी देखने को मिली है। यहाँ आगे सदाबहार के पॉट्स हैं आउटडोर, यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स के तौर पर ये आउटडोर हैं, यहाँ पर ही इस
सदाबहार की लाइन लगी हुई है पूरी। सदाबहार का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी अच्छा है यहाँ पर जो है वो इनके प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ कुछ ये प्लांट्स रखे हुए हैं आउटडोर के, ये भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, और इधर कुछ इंडोर सेक्शन है और देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये सारे बेसिल वगैरह रखे हुए हैं, तुलसी के पौधे रखे हुए हैं, ये पूरा जंगल बना हुआ है। अभी तो ये उजड़ा चमन लग रहा है, यहाँ पर सारे वही मनी प्लांट और सारे वही कॉमन प्लांट्स रखे हुए हैं। तो मैं आगे जाना नहीं चाह रहा, आई डोंट नो क्या सीन है अंदर, अगर मुझे कुछ हो जाना है और किसी को पता भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ये खुशी और सारा जंगल बना हुआ है, यहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं है। बस यहाँ पर ये मुझे एलिफेंट एयर एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, फिर यही है कि बाहर ही चला गया। यहाँ पर बंदा फंस गया, तो लिखना नहीं है इसने। तुलसी के काफ़ी सारे यहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं, और यहाँ सदाबहार वगैरह, और ये कुछ आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ ये आउटडोर के प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट कलर्स के अंदर हैं ये। ये आपको पॉट दिखाऊं अगर मैं, तो एक पॉट के अंदर एक अच्छा प्लांट यहाँ पर सदाबहार का मौजूद है। पूरे यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज हैं, डिफरेंट कलर हैं। यहाँ से तकरीबन अब आउटडोर का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, इंडोर का यहाँ पर स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर ये फार्म वगैरह जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, स्मार्ट किया रखा हुआ है। कुछ आगे फ्लोमेरिया वगैरह रखे हुए हैं, फ्लोमेरिया के पॉट्स हैं। मेरे पास अभी जो फ्लोमेरिया है मैं यहीं से लेकर गया था, और काफ़ी छोटे साइज़ का था वो। यहाँ पर ये यहाँ ये पूरा ट्रॉपिकल सेक्शन बना हुआ है, और काफ़ी सारे यहाँ पर बड़े साइज़ के जो है वो यहाँ पर पाम रखे हुए हैं, काफ़ी बड़े प्लांट्स हैं इनके। ये हिबिस्कस के काफ़ी सारे यहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं, और काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर हैं, और बड़े अच्छे हेल्दी खुशी हैं। और अगेन यहाँ पर सदाबहार वगैरह रखे हुए हैं। ये कुछ इंडोर सेक्शन के अंदर पाम वगैरह रखे हुए हैं, और बाकी प्लांट्स यहाँ पर फ्रंट पे जो देखने को मिल रहे हैं। कुछ यहाँ देखते हैं आउटडोर सेक्शन में कुछ न्यू है कि नहीं है। कुछ बोगन वेलिया वगैरह रखे हुए हैं, और नहीं ये जगह भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, स्टॉक अभी इतना ज़्यादा नहीं है, स्टॉक कम है अभी, प्लांट्स लिमिटेड रखे हुए हैं यहाँ पर। पाम वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और अंगूर की बेल वगैरह रखी हुई हैं, ग्रेप वाइंस वगैरह रखी हुई हैं, और जो अमूमन हमें देखने को मिलते हैं पोनी टेल यहाँ पर रखा हुआ है। पोनी टेल एक अच्छा यहाँ पर मुझे पॉट दिख रहा है, पोनी टेल का अच्छी हाइट के अंदर है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। और यहाँ पर वही सारा आउटडोर सेक्शन है, तो इतनी प्रॉपर यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होगी अभी फ़िलहाल। यहाँ पर ये सारी बोगनवेलिया यहाँ पर मौजूद हैं, ये
मुझे जो पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन वाली जो ओपोमन वाली होती है वो रखी हुई है यहाँ पे। कुछ हिबिस्कस रखे हैं, ये पॉट्स में हैं, वो बैग में थे। यहाँ ये देख सकते हैं ये पूरी यहाँ पर फसल तैयार है सदाबहार की, और यहाँ से आज ये सदाबहार की काफ़ी डिफरेंट और बहुत ही अच्छे यहाँ पर वेराइटीज़ मौजूद हैं। डिफरेंट कलर हैं, पिंक के काफ़ी वैरायटी हैं, और एक मुझे यहाँ पर पर्पल जो है वो देखने को मिल रही है। ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये बड़ी अट्रैक्टिव है, यूनिक सी है। तो ये हमारे इंडस्ट्री का आज का जो है वो प्लांट टूर था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नर्सरी टूर करवाने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप घर बैठ के जो है वो देख सकें कि आपने अगर जहाँ जाना है वहाँ पर आजकल क्या चल रहा है, क्या सीन है, ताकि अगर आप आएँ तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल भी सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।